जबलपुर में एयरपोर्ट टर्मिनल का रविवार को लोकार्पण किया गया, लेकिन एयरपोर्ट से लगातार फ्लाइट्स के कम होने पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सुसज्जित टर्मिनल बिल्डिंग किस काम की जहां फ्लाइट्स का अकाल पड़ा हो। विवेक तनखा ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक्सपोर्ट पर लिखकर न्याय मांगा है, जहाँ उन्होंने कहा कि ग्वालियर में फ्लाइट्स की वर्षा हो रही है जबकि जबलपुर में अकाल है। जबलपुर एयरपोर्ट से लगातार कम हो रही फ्लाइट्स पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सवाल खड़े किए। आज बहुत शुभ दिन है कि जबलपुर को एक सौगात मिली है। इस दिन के लिए हम लोग सालों से संघर्ष कर रहे थे। पहले तो ये आर्मी का एयरपोर्ट था, माना जाता था, परमिशन नहीं मिलती थी सिविल फ्लाइट्स की। जब सिविल फ्लाइट चालू हुई तो एक्सटेंशन की परमिशन नहीं मिलती थी, बहुत संघर्ष हुआ, किसी तरह से बहुत सारी परमिशन हुई। आज वो दिन हमने देखा। इसके लिए मैं जबलपुर की जनता को और जबलपुर के इस पूरे क्षेत्र को, बांकवासल को, मैं सौगात के लिए बधाई देता हूँ। मैंने कल सिंधिया जी को ट्वीट किया है कि सिंधिया जी, जबलपुर के साथ न्याय कीजिए, ग्वालियर में फ्लाइट्स की वर्षा हो रही है और हमारे यहाँ अकाल पड़ा है। एक दो दिन में आ जाना चाहिए, आई थिंक फाइनलाइज हो रही है। कुछ नए चेहरे आएंगे, जरूर आएंगे, कुछ जरूर आएंगे। जबलपुर से टीम लोक मंगल।